केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। हमारी टीम आज गोड्डा के महागामा पश्चिमी क्षेत्र संख्या 10 पहुंची हुई थी। वहां पहुंचने का कारण था वर्तमान जिला परिषद, साथ ही साथ जिला परिषद प्रत्याशी बीबी नगमा आरा जी से बात करना। महिला प्रत्याशी है, कई सालों तक काम कर चुकी है क्षेत्र में, क्या कमियां नजर आती हैं, आगे क्या कुछ काम करेंगी, ऐसी चीजों पर हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा कि उन्हें किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, कितना प्यार लोगों से वो जुटा पा रही हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और सर और मात का खेल लगातार जारी है। कोई अपने काम को गिना रहे, कोई अपने कोरोना काल में किए गए कार्यों को भुनाने की कोशिश में लगे, कोई पैसे का खेल कर रहे, कोई अपने समाज सेवा का खेल कर, कोई जनता के बीच जाते हैं और अपने कोरोना काल के कार्यों को भुनाकर एक दूसरे को लड़वाकर चुनावी मैदान में जीतने की दवा ठोकते हैं। चलिए, आज हम लोग हैं गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड में। महागामा प्रखंड के क्रमांक संख्या 10, क्षेत्र संख्या 10 पश्चिमी से जिला परिषद जो वर्तमान में है उनके पास हैं, प्रत्याशी भी है इस बार, उनसे जानेंगे 5 साल किनका रहा, 5 साल किनका विकास हुआ, जिला परिषद का विकास हुआ या क्षेत्र की जनता का विकास हुआ, जिला परिषद का विकास या क्षेत्र की जनता का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास किसका? धन्यवाद बाद में लेंगे आपसे, पहले विकास बोले किसका, जिला परिषद का या जनता का? जनता का। क्षेत्र का विकास या जिला परिषद के रिश्तेदार का विकास? क्षेत्र का विकास। क्षेत्र का विकास, चलिए हम विकास की बात करते हैं। आप कह रहे हैं विकास क्षेत्र का, कितने ऐसे काम जो से योजना की बात करें, सड़क का यू कहें तो 5 साल तो ऐसे बीत गया जो कि जिला परिषद को कुछ नहीं मिला, लास्ट में कुछ मिला, कुछ लड़के लेना पड़ा। तो क्या क्या काम 5 साल में किए हैं? कितना नाला? 5-6 नाला। बहुत अच्छी बात है। सड़क? सड़क दो। और कोई काम? और कोई काम तो अभी आने वाला था, जो योजना हमारे अंडर में पास हुआ था तब तक तो अच्छा संहिता लागू हो गया। क्या क्या पास हुआ था? रोड, कितना जलमीनार। चलिए, और कोई काम किए इस क्षेत्र में आप? क्षेत्र में तो सरकार ने हमें फंड नहीं दिया, इसलिए नहीं, लेकिन मैं रात दिन जनता की सेवा में लगी रही 5-6 साल में। चाहे जिस विभाग से बात कीजिए, स्वास्थ्य से, चाहे शिक्षा से, चाहे किसी का कोई गंभीर मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, हर समय मैं उपस्थित रही। बहुत अच्छी बात, उपस्थित रही जनता के बीच। कोरोना काल में क्या क्या कुछ किए हैं? मास्क वितरण, सूखा राशन कुछ कर पाए? मास्क कितना बांटे हमने कोरोना? हमको तो गिनती नहीं, लगभग 1,000, 2,000, 5,000। हाँ, 5,000 तक। सूखा राशन चलिए वो भी किए हैं, वो भी जितना हमसे हो सका हमने किया। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे सोचे हैं जनता के बीच जान क्या कहते हैं? मेरी जनता बखूबी जान रही है कि हमारे जिला परिषद ने मेरे लिए क्या किया है, और उनको भी हमसे उम्मीद है और मैं भी उनसे उम्मीद बना के बैठी हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जनता हमारा साथ देगी और हमें आगे सेवा करने का मौका देगी। जनता ने मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, जीत के आ गए। 5 काम तो मैं गिनती के साथ नहीं बोल सकती। 5 काम रोड नाला, सड़क नाला का जहाँ समस्या हो, एक सड़क नाला जहाँ नहीं हो बनवाए। चलिए, दूसरा काम पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश करें। तीसरा शिक्षा का स्कूल की मॉनिटरिंग करेंगे, जाके देखेंगे इसको अच्छा से करने की इच्छा है कि हर बच्चा शिक्षित हो मेरे एरिया का। स्वास्थ्य का भी करेंगे। यहाँ पर हमारे पंचायत कुसनारा में भी प्रयास किया और अभी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, डॉक्टर की व्यवस्था कराएगी, डॉक्टर का व्यवस्था कराएंगे। चलिए, 5 लाख रोजगार मिलेगा मनरेगा से? कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोग कुछ काम करिएगा, आवाज किसी को नहीं मिल पाया है,
या कुछ तो कुछ लेके दिलाइए या बिल्कुल लेके दिलाएंगे लेके दिलाएंगे कमीशन कमीशन नहीं सर सरकार से लड़के दिलाएंगे सरकार से लड़कर दिलाएंगे कमीशन मिलेंगे जी कमीशन क्यों लेंगे कुछ ना कमीशन आज तक हम लोग को कोई फंड ही नहीं है ना कमीशन आज तक किसी का लिए है और कमीशन लेने का रहता तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते कमीशन मैंने तो छोड़ दीजिएगा छोड़ दिए क्या आज तक हम लोग कमीशन का बात ही नहीं करते चलिए बहुत अच्छी बात कि आप कमीशन की बात नहीं करते किस चीज की बात करते विकास की विकास में स्वास्थ्य विकास की बात करेंगे ना जी चलिए इस बार जनता ने जिताया तो अपने क्षेत्र का विकास किया इस बार जीतेंगे तो किसका विकास होगा जिला परिषद का नहीं जनता के विकास मैंने रात दिन मेहनत किया जनता के लिए और आगे भी जनता के लिए जनता का विकास करेंगे जी। क्षेत्र का विकास क्या नाम है आपका क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि मुझे फिर से सेवा करने का मौका दें और मैं पूरे तन मन से आप लोगों का सेवा करूँगा अरे ठीक है भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं जल्दी दबाओ।